दोस्तों, अगर आप लोग क्रेडिट भी से लोन लिए हो तो आप लोगों के पास कुछ इस तरीके का SMS आ सकता है और आप लोग ये देखने के बाद डरने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, ये जो है एक सब्सक्राइबर के पास गया था, फॉरवर्ड किया, तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी बताना जरूरी है ताकि आप लोगों के पास अगर जाता है तो आप लोगों को क्या जो है स्टेप्स लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारा कुछ जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को क्रेडिट बी का जो SMS आया है, जो नोटिस आया है, उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब बटन को प्रेस नहीं किया है तो जल्द से जल्द जो है सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आप लोगों को नोटिफिकेशन में मिल जाए। दोस्तों, आप सबको पता है कि क्रेडिट भी हो या फिर कोई भी लोन का एप्लीकेशन हो, अगर आप लोग लोन लेते हो, समय पर पेमेंट नहीं करते हो, तो आपके पास कॉल, SMS, नोटिस, बहुत सारा कुछ जो है आते हैं आपके पास या फिर आपके घर पे। क्रेडिट बी का भी एक जो है नया SMS आ रहा है, उसमें क्या कर रहे हैं कि लगभग पांच से छह जो है धाराएं लगा रहे हैं, जैसे कि 405, 406, 415, सेक्शन 25 से आपका चेक बाउंस का जो भी केस, ECS बाउंस का केस, बहुत सारा कुछ जो है ये डाल के जो है आपको भेजा जा रहा है अभी के टाइम में। तो ये जो है देखने के बाद आप लोग घबराने वाले हो, तो इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, ये जो भी है SMS आप लोग देख सकते हो, सारा में लिखा है कि आपने जो है अपना पेमेंट जो है वो सही से टाइम पे नहीं किए हो तो आपके ऊपर जो है ये धारा लगा दी गए हैं, ये धारा लगाई गई है। और क्या है, लास्ट में जो है सेक्शन 25 का जो है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का भी लगा रहे हैं। तो शायद जो है ये लोग भूल रहे हैं, बहुत सारे लोगों का ACS नहीं है लगा हुआ, फिर भी जो है ये धारा लगा के भेज रहे हैं। ठीक है, तो लोगों को बेवकूफ समझते हैं कि ये है जो भी बता रहे हैं ये लगा के भेज देंगे तो भाई डर जाएगा और डरने के बाद जो है पेमेंट कर देगा। देखिए, जिसको पेमेंट करना था वो टाइमली पेमेंट कर दिया है, डराने के बाद अगर जो पेमेंट कर ही नहीं पाएगा उसको डराने से क्या फायदा। दोस्तों, जो पेमेंट सही टाइम पर कर पाता है वो तो कर ही देता है, लेकिन जो पेमेंट कर ही नहीं पाता है उन लोगों का क्या है। आप लोगों को अगर कोई कंपनी किसी को प्रेशर करता है तो वो कैसे पेमेंट अरेंज करेगा, उससे क्या होता है कि जो है गलत स्टेप्स वगैरह वो लेना चालू कर देते हैं सभी। इसीलिए जो है न्यूज पे आप लोग सुनते रहते हो कि ये जो है। दोस्तों, जो भी ये SMS आता है, आप सबको पता है, हर एक वीडियो में बोलता हूँ, ये जो भी है ये एक डराने का प्रोसेस है, ये एक धमकी है। क्योंकि देखिए, सारा कुछ देखने बाद नीचे लिखा होगा टू अवॉइड पे इट नाउ। मतलब क्या है टू अवॉइड पे इट नाउ? अगर आप लोगों को कुछ करना है तो डराने क्यों, आप लोगों को करना है तो करो। साफ तौर पर आप लोगों को देखना है ये जो है ये डराने के लिए करते हैं। मेरे पास जो है 1 साल से भी ज्यादा हो गया, ठीक है, 1 साल 13 महीना हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया, अभी भी जो है SMS आ रहे हैं आपके ऊपर, जो है लीगल एक्शन लूंगा, 405 आएगा, 405 का धारा लगाऊंगा, सेक्शन 25 का भी धारा लगा दिया, मेरा ECS है ही नहीं, सेक्शन 25 का कैसा काम इसमें। तो ये सब चीजें क्या करते हैं, आप लोगों को सिर्फ डराने के लिए करते हैं। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोगों का कॉमेंट्स आ रहे हैं भर भर के कि सर जो है ये SMS आया है, अब मैं क्या करूं, लास्ट वार्निंग दे दिया, अब क्या करूं, अब एजेंट आने का धमकी दे रहा है, अब मैं क्या करूं। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो भी SMS आता है वो आपको इग्नोर करना है, बाकी जो है कोई दिक्कत होगा नहीं। क्योंकि देखिए, मैं एग्जांपल मैं खुद हूं, ठीक है, आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं फालतू बकवास कर रहा हूँ, ऐसा कुछ है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए मैं खुद हूँ, 1 साल से जो है ओवरड्यू है, लेकिन एक भी कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, आज भी नहीं हुआ है, कोई भी लीगल एक्शन नहीं हुआ, कोई भी लीगल स्टेप्स नहीं लिया, ना घर पे एजेंट आया। तो आप लोगों को डरना क्यों है, मैं आप लोगों को यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ, आप लोगों को डर ना लगे इसलिए ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो आप लोग क्या करो, सिर्फ और सिर्फ जो है डर खत्म करो आपके मन से, बाकी जो है ये लोग कुछ करेगा ही नहीं आप लोगों का, ठीक है। अगर जो डर गया, बात में ही है, आप लोगों को पता है बातों में ही बोलते हैं ना, जो डर जाता है वो मर जाता है, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, डर खत्म कर दीजिए। आप लोगों का ये भी जो प्रॉब्लम का जो भी प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो ना, चुटकी में आप लोगों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो भी SMS आता है, इस तरीके का SMS आ सकता है या फिर हजारों जो है धाराएं लगा के आप लोगों को डराने के लिए कर सकते हैं, बहुत सारा कुछ स्कीमें ये लोग लगाते हैं, आप लोगों को डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।